डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताओं या प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कर रहे हैं। आप लोग सब जानते हैं कि भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण अर्थव्यवस्था है, जहां एक ओर संपन्नता है तो दूसरी तरफ विपन्नता। एक तरफ औद्योगिक विकास की दृष्टिकोण से कुछ राज्य बहुत अधिक विकसित हैं तो दूसरी तरफ औद्योगिक पिछड़ापन भी है, बेकारी भी है, भुखमरी भी है और दूसरी तरफ जनसंख्या भी तेजी से बढ़ रही है। और इसके साथ ही आप लोगों को मालूम होगा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक राज्य है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है, इसके प्रमुख लक्षण क्या है। सबसे पहले देखिए, ये एक विशाल और विस्तृत अर्थव्यवस्था है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सातवां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। यह चीज इस बात को बताती है कि भारत एक विशाल और विस्तृत अर्थव्यवस्था है। दूसरी, अर्धविकसित विकासशील अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है, लेकिन विकास पथ पर अग्रसर भी है। अर्थव्यवस्था में आर्थिक पिछड़ापन एवं दरिद्रता है, पूंजी निर्माण की जो गति है वो धीमी है, बेरोजगारी है, तकनीकी ज्ञान का अभाव है, जनसंख्या का भार बहुत अधिक है। लेकिन फिर भी योजनाबद्ध विकास के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था अब निरंतर विकास पथ पर अग्रसर हो रही है। उद्योगों का विकास हो रहा है, कृषि का विकास हो रहा है, परिवहन व संचार साधनों का भी विकास हो रहा है। तीसरी जो विशेषता है वह है, भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय आय में कृषि का जो अंश है वो काफी अधिक है। इसी प्रकार से बहुत से लोग हैं वो कृषि में लगे हुए हैं और हमारे देश की जनता का जीवन यापन का जो प्रमुख सोर्स है वो भी क्या है, कृषि है। यही नहीं, कृषि से हमें औद्योगिक कच्चा माल भी प्राप्त होता है और निर्मित माल का बाजार भी कृषि से ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से देखिए, कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। नेक्स्ट है, औद्योगिक पिछड़ापन एवं असंतुलित विकास। भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित देशों की तुलना में काफी अधिक पिछड़ी हुई है। राष्ट्रीय आय में उद्योगों का जो अंश है केवल वो 25% ही है और कार्यशील जनसंख्या केवल 15% ही उद्योगों में लगी हुई है। पूंजीगत और आधारभूत उद्योगों की प्रगति काफी धीमी है और दूसरी तरफ यहाँ लघु और कुटीर उद्योग भी काफी पिछड़े हुए हैं। कुछ राज्य हैं वो औद्योगिक दृष्टिकोण से विकसित हैं और कुछ राज्य जैसे आसाम, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, वो उद्योगों के दृष्टिकोण से काफी पिछड़े हुए हैं। जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि। राजस्थान, भारत की जनसंख्या है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि विश्व की लगभग 17% जनसंख्या हमारे देश में निवास करती है, जबकि क्षेत्रफल केवल 2.4% ही है। जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि की दर 1.93% है। और देखिए, जनसंख्या के दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। पहला स्थान चीन का है। नेक्स्ट जो विशेषता है, व्यापार यहाँ रूप बेकारी पाई जाती है, अर्ध बेकारी है, बेरोजगारी निरंतर बढ़ती जा रही है। कृषि क्षेत्र में भी छिपी हुई बेरोजगारी काफी अधिक मात्रा में पाई जा रही है, तो बेकारी की समस्या है वो निरंतर बढ़ती जा रही है, जिसका निराकरण करना संभव नहीं लग रहा है। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था की जो प्रवृत्ति है वो दोहरी प्रवृत्ति है, अर्थात एक तरफ अर्थव्यवस्था में पिछड़ा हुआ ग्रामीण क्षेत्र है, रूढ़िवादी लोग है, अनपढ़ है, आधुनिक सभ्यता से परे हैं ऐसे लोग। दूसरी तरफ बड़े बड़े शहर हैं जो विकसित है, समृद्ध हैं, शिक्षित हैं एवं आधुनिक है। तो एक तरफ तो कुछ लोग धनी हैं, उनका जीवन बहुत ही लग्जरियस है, दूसरी तरफ भुखमरी है, बेकारी है, दरिद्रता है। तो इस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था का जो नेचर है वो ड्यूअल नेचर है। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति का आय का स्तर है वो काफी कम है। क्यों? क्योंकि न तो यहाँ उद्योगों का विकास हो पाया है, न ही समुचित रूप से कृषि का विकास हो पाया है, जिसकी वजह से यहाँ राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति का स्तर है, आय का स्तर है, वो विकसित राष्ट्रों की अपेक्षा काफी कम है। नेक्स्ट, पूंजी निर्माण की जो गति है वो धीमी रही है। भारत में पूंजी निर्माण की जो दर है वो लगभग 24% रही है, जबकि विकसित देशों में ये 30% से ऊपर रही है।
तो पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाकर ही विकास की गति को तीव्र करना संभव है। नेक्स्ट जो विशेषता है, यहाँ निर्धनता का दुष्चक्र पाया जाता है, अर्थात हमारी अर्थव्यवस्था निर्धनता और गरीबी के दुष्चक्र में फंसी हुई है और इस दुष्चक्र को तोड़ना बहुत आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तरफ पिछड़ेपन के कारण उत्पादन कम होता है, आय और रोजगार का स्तर कम रहता है, दूसरी तरफ आय और रोजगार कम होने का कारण उपभोग, बचत और पूंजी निर्माण का स्तर भी क्या होता है, निम्न होता है। इस प्रकार से इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए बहुत ही अधिक प्रभावी प्रयासों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, आधुनिक तकनीकी ज्ञान की भी यहाँ कमी है। अभी भी कृषि, औद्योगिक और परिवहन क्षेत्रों में जो परंपरागत तकनीक है वही पाई जाती है, स्वचालित मशीनों का उपयोग काफी कम है, तो इस वजह से भी यहाँ हम विकसित राष्ट्रों के समकक्ष खड़े नहीं हो पाते हैं। यातायात और संचार साधनों का भी आय इनका अभाव है। भारत में अभी भी शीघ्रगामी यातायात एवं संचार साधन नहीं पाए जाते हैं और जो सड़कों की औसत लंबाई है वो भी काफ़ी कम है और इस वजह से यहाँ देश में तेजी से विकास नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी मानसून का जुआ है। कृषि की जो समृद्धि है वो अभी भी काफ़ी कुछ हद तक मानसून पर निर्भर करती है क्योंकि यहाँ अभी भी सिंचाई साधनों का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है और नियोजित और विकासशील मिश्रित अर्थव्यवस्था है। एक तरफ योजना को अपनाया गया है ताकि देश का तीव्र गति से विकास हो सके, दूसरी तरफ समाजवाद और पूंजीवाद का कोऑर्डिनेशन यहाँ पाया जाता है, अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जा रही है जिसकी वजह से कुछ हद तक देश है वो तेजी से विकास कर रहा है, उद्योगों का विकास हो रहा है और औद्योगिक आधार भी सुदृढ़ हुआ है। ये कहा जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में संपन्नता के बीच गरीबी है। इसका अभिप्राय यह है कि अर्थव्यवस्था प्राकृतिक साधनों के दृष्टिकोण से संपन्न है, जनशक्ति भी विशाल है, उपजाऊ मैदान भी है, खनिज वन संपदा आदि के दृष्टिकोण से भी संपन्न है, लेकिन इन सब के बावजूद भी इनका पर्याप्त हम लोग उपयोग नहीं कर पाए हैं, विदोहन नहीं कर पाए हैं, इसकी वजह से यहाँ बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी आदि पाई जाती है। तो इसीलिए ये भी कहा जाता है कि भारत एक धनी देश है जहाँ निर्धन लोग बसते हैं। बाजार की कई प्रकार की अपूर्णताएं हैं, साधनों में गतिशीलता का अभाव है, विशिष्टीकरण का अभाव है, बाजार संकुचित है, इसकी वजह से भी विकास के दृष्टिकोण से हम पिछड़ गए हैं। और दूसरी तरफ हम देखें तो आर्थिक असमानता है वो निरंतर बढ़ती जा रही है, गरीब अधिक गरीब और धनी अधिक धनी बनते जा रहे हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अभी भी निर्धनता के दुष्चक्र में फंसी हुई है और मुद्रास्फीति और जो मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज है उसके कारण आर्थिक असमानता और अधिक बढ़ती जा रही है। क्षेत्रीय विषमताएं भी पाई जाती है, एक तरफ पंजाब, हरियाणा, बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात आर्थिक समृद्धि के दृष्टिकोण से काफी अच्छे राज्य हैं, तो दूसरी तरफ राजस्थान, आसाम, जम्मू कश्मीर और उड़ीसा विकास के दृष्टिकोण से काफी पिछड़े हुए राज्य हैं। तो इस प्रकार से क्षेत्रीय असमानताएं भी काफी मात्रा में विद्यमान है। यहाँ के लोगों का जीवन स्तर विकसित देशों की अपेक्षा काफी निम्न है। देश की 26% जनसंख्या अभी भी निर्धनता के न्यूनतम स्तर पर है, तो अभी भी उनको हमें मुख्य आधारभूत वस्तुएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। तो बच्चों, आज मैंने आप लोगों को भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं को संक्षेप में समझाने का प्रयास किया है। धन्यवाद।